नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। मेरा आज का विषय है शुक्र वलय। शुक्र वलय निम्न निम्न आकृतियों में आपको मिलेगा, कहीं पर ज्यादा चौड़ा, कहीं पर दो दो तीन तीन शुक्र वलय, कहीं पर टूटे शुक्र वलय, और कहीं पर दीप बने शुक्र वलय, और कहीं पर पतले शुक्र वलय। यानी शुक्र वलय का संबंध कहां से कहां तक रेखाओं से बना हुआ है, और उस वलय के आपके जीवन में किस किस प्रकार के प्रभाव पड़ने वाले हैं, ये मेरा आज का विषय है। सबसे पहले मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, अधिकतर जो शुक्र वलय होते हैं वो कनिष्ठा और सूर्य की उंगली के मध्य से निकलने वाले और बृहस्पति से शनि की उंगली के बीच में पहुंचने वाले रेखाओं को शुक्र वलय कहा जाता है। कभी कभी ये शुक्र वलय बृहस्पति तक भी पहुंचते हैं और बुध तक भी पहुंचते हैं। सब तरह के जो वलय बनेंगे, जिस प्रकार के बनेंगे, उसमें किस तरीके से ये दूषित परिणाम देंगे, अच्छे परिणाम देंगे, ये मैं सब आपको आज बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, अति सुंदर वलय अगर आपके हाथ के अंदर बना हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट है, किसी भी प्रकार की कोई रेखा यहां पर इनको काट नहीं रही है, किसी भी प्रकार से इसमें बहुत ज्यादा मोटापन नहीं है, और बारीक है, भाग्य रेखा भी एक बार चली गई काटती हुई, स्पष्ट रूप से गई, कहीं कोई खराबी नहीं करी, तो इस वलय का लाभ आपके जीवन में पॉजिटिव होगा। संसाधन प्रसिद्धि, अपने अवस्थ में अच्छी यौवन अवस्था, हमेशा युवा दिखने वाला व्यक्ति ऐसा होता है। परंतु जब जब ये वलय मोटा हो, यानी आपको ये दिखाई दे कि भाई ये बहुत मोटा है, तो इस वलय का मतलब होगा ऐसा व्यक्ति पूर्वजों की संपत्ति को नष्ट कर देगा। ऐसा व्यक्ति पूर्वजों की संपत्ति को नष्ट कर देगा। हो सकता है पर स्त्री गामी होने के कारण, या कुल मिलाकर चरित्र से खराब होने के कारण, जुए के कारण, शराब के कारण, सट्टे के कारण, ये व्यक्ति अपने बदनामी और पूर्वजों की संपत्ति को पर स्त्री पर गमन करने के कारण ये व्यक्ति अपनी संपत्ति को बर्बाद कर देगा, जिसकी इतनी मोटी ये शुक्र वलय होगा। तीसरा कारण, यदि किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर ये वलय टूटी फूटी अवस्थाओं में या किसी भी अवस्था में ये दो या तीन बन रहे हैं, तो इनके अलग परिणाम होंगे। इसका सिर्फ और सिर्फ परिणाम ये होगा, ऐसा व्यक्ति पर स्त्री गामी होगा, ऐसा व्यक्ति कुल मिलाकर दुष्चरित्र में बहुत दुष्चरित्र होगा, और साथ ही साथ ऐसी यदि स्त्री के हाथ में यदि ये चीजें हैं, तो ये दोनों ही बातें जो मैं बता के चल रहा हूं, सभी शुक्र वलय में उसको उसका अपोजिट समझना चाहिए। यानी जिन तीन तीन प्रकार के यदि ये यहां पर शुक्र वलय अगर बने हुए हैं, तो पर स्त्री गामी का रिजल्ट ज्यादा होगा, धन नाश का कम होगा। तो धन भी इन्वेस्ट करेगा, गलत काम में जाएगा, लेकिन उसका परिणाम इस प्रकार से होगा। एक और बात, यदि किसी का शुक्र वलय व्यक्ति का टूटा हुआ है, तो अब टूटा हुआ शुक्र वलय है तो इसका एकदम अलग प्रभाव है। ये शुक्र वलय जो होगा, और यदि अंगूठा थोड़ा सा मोटा है और छोटा है, और नखून बिल्कुल छोटा है, मोटा है, छोटा है, नखून बिल्कुल छोटा है, और ये इस तरीके का यहां पर निशान है,
तो व्यक्ति दुष्कर्म करने वाला होगा। साथ ही साथ बलात्कार करना, निम्न स्त्रियों से संबंध बनाना, और यदि अंगूठा ऐसा छू जाए तो स्त्री के कारण किसी पर व्यक्ति का मर्डर तक ये लोग कर देते हैं। तो ये तीसरे प्रकार का वलय है। धन का नाश तो सभी में है लगभग, लेकिन ये वृत्ति कुछ मिलाकर ज्यादा बढ़ जाएगी। अब देखिए एक और कारण है, यहां पर ये व्रत है, शुक्र वलय है और इसमें किसी प्रकार का दीप है। तो ऐसा व्यक्ति प्रेमिका के षड्यंत्र में फंसेगा, धननाश भी हो सकता है, मर्डर भी कर सकता है। अंगूठा मोटा है, छोटा है, नाखून छोटा है, या इसका स्वयं का ऐसा अंगूठा नहीं है और ये दीप है, तो खुद भी इसका मर्डर हो सकता है। स्त्री के साथ भी ऐसा ही और पुरुष के साथ भी इसी प्रकार का है। एक और प्रकार होता है, और वो प्रकार होता है जो देखने में कभी मिलता है, कि वो बुद्ध पर्वत से लेकर के, और ये रेखा यहां पर शुक्र वलय बनाती है, बहुत अच्छा व्यापारी है, बहुत अच्छा धन कमाता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा धन कमाने के लिए गलत मोटा नुकसान का सामना भी कर लेता है, परंतु ये व्यक्ति दोबारे से अपने आप को खड़ा भी कर देते हैं। यहां अगर कभी कभी आपको इसका दिखाई दे कि यही रे व्रत बनकर के और बृहस्पति के अंदर भी जा रहा है, तो गुणों की खान भी है, भक्ति भाव भी है, दान पुण्य भी करता है, व्यापार में अच्छी उन्नति तरक्की भी करता है, और साथ ही साथ कभी कभी धर्म के संस्थान में होने के बाद धर्म के संस्थान से कुछ पैसा अपने ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कर लेता है, तो ये उसके कारण इसको कभी बदनामी का सामना भी करना पड़ता है। तो यहां बृहस्पति से संपर्क बनाने के बाद इसका फल इस प्रकार से जाना जाता है। तो आज का मेरा विषय रहा शुक्र वलय और शुक्र वलयों का आपके जीवन में किस तरह से प्रभाव। आगे भी मैं अन्य एपिसोड्स के द्वारा आपको अवगत कराता रहूंगा। मेरे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।